कैसी लगी आपको ये फिल्म? बहुत अच्छी है. आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को ये बनाना चाहिए मूवी. ये अलग ही कंसेप्ट है. लाइक हम लोग सिर्फ आर्मी को पहचानते हैं, है ना, या ये आईएएस पूरे हम लोगों की जो इंटेलिजेंस होती है उस पर बेस्ड मूवी है. और इसमें जो जॉन का किरदार है वो बहुत ही अच्छा है. हाँ, तीन रोल किए ना. जी हाँ, तीन रोल है. तो मेन रोल, मतलब ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा था कि आप बांग्लादेश जो आज है, मतलब हम लोग जो 1971 का वार जीता है बिकॉज ऑफ ओनली वन पर्सन, एंड दैट इज वॉल्टर, मिस्टर वॉल्टर. अच्छा, डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी है ये फिल्म, कैसा? डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है. डिफरेंट कंसेप्ट है. मतलब हर कोई अपना रियल चीज़ें दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन ये ऐसा है कंसेप्ट उठाया है कि इंटेलिजेंस के बारे में भी बताया गया है कि हाँ, हर कोई हमारे देश की रक्षा कर सकता है, जैसे हम लोग भी कर सकते हैं. और पूरा अगर आपका पूरा इन्फॉर्मेशन बेस्ड मूवी है कि अगर जंग को जीती जाती है तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जीती जाती है. बोरिंग तो नहीं लगी? बिल्कुल नहीं. हाँ नहीं, बोरिंग नहीं है. आप इसे बोरिंग नहीं बोल सकते हो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा. अच्छा. ये चीज़ें मतलब आप स्टार्टिंग से धीरे धीरे स्टार्ट होकर एकदम फास्ट होती है. जस्ट आपको हर चीज़ लिंक्ड है, समझदार लोगों के लिए मतलब. बट मूवी बहुत अच्छी. और जैकी श्रॉफ और मौनी रॉय का काम कैसा लगा आपको? मौनी रॉय का भी अच्छा था, इतना ज़्यादा नहीं था. बट जैकी श्रॉफ का भी कोऑर्डिनेशन जो जॉन के साथ है वो काफ़ी अच्छा है. अच्छा, और डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहेंगे? डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरीके से मूवी बनना चाहिए. हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए भी इंजॉय करते हैं मूवी, लेकिन ये देशभक्ति के लिए ज़रूरी है कि कुछ कुछ टाइम पे लेकर आ जाए. अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम फिल्म इंडस्ट्री में ये दो ही लोग ऐसे हैं जो रियल कंसेप्ट पे मूवी बनाते हैं. तो क्या इंटरवल से पहले अच्छी है बात? इंटरवल से भी सर, इंटरवल के बाद सस्पेंस वाली मूवी है. सस्पेंस, हाँ, हर थोड़े थोड़े टाइम में आपको मतलब पूरा लिंक्ड है हर चीज़ से वो लिंक्ड है. और उसके बाद ही मौनी रॉय का रियल बताया, कैरेक्टर बताया गया है इसमें, तो पूरा लिंक्ड है. तो कितने स्टार देंगे आप? 4.5. मुझे तो बहुत अच्छी लगती है पेट्रोटिज्म मूवी. अच्छा. और मैं आगे जाकर जॉन से भी कोई सी मिस नहीं करते, मतलब आप परमाणु सत्य में विजय थे या फिर बाजी वगैरह थे? बिल्कुल बिल्कुल मिस नहीं करती हूँ. और ये तो मतलब ऐसा है कि मुझे फर्स्ट डे फर्स्ट शो का काफ़ी टाइम से वेट था कि मैं देखूँगी. अच्छा, आप केसरी भी देखने आए थे? केसरी में नहीं देख पाई एक्चुअली, थोड़ा सा हैक्टिक शेड्यूल था. आज मेरा ऑफ है तो मैं देखने आ गई है. चलिए, थैंक यू. तो कैसी लगी सर आपको मूवी? माइंड ब्लोइंग है, बहुत अच्छी है. सबका रोल अपने अपने तरह पर अच्छा है. और यहाँ पर रॉ के बारे में बताया गया किस तरीके से हमारी रॉ जो होती है वर्क करती है, इंडिया को प्रोटेक्ट करती है. तो ये चीज़ें भी हमको अभी तक हम क्या आर्मी के बारे में सुन रहे थे कि हमारी आर्मी ही सिर्फ वर्क करती है, हमारे प्रोटेक्ट करती है, लेकिन यहाँ पर रॉ के बारे में भी बताया गया कि हाँ किस तरीके से करा जाता है. और जॉन का काम कैसा लगा सर? जॉन का काम बहुत अच्छा था. और क्या सर लगता है मतलब स्क्रीन प्ले में कुछ लूप फॉल्स थे या नहीं थे? लूप फॉल्स तो नहीं थे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ता है. ये जनरली हम मूवीज़ देखने आते हैं कि हाँ सिर्फ इंटरटेनमेंट, थोड़ा सा कॉमेडी होगी, थोड़ा सा रोमांस होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पर सिर्फ आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन सा सस्पेंस कब खुलेगा. धीरे धीरे एक एक सस्पेंस खुलते आते, एक एक किरदार खुलते आते, एक एक जैकपॉट खुलते आते कि हाँ अब ये इससे लिंक्ड है, ये इससे लिंक्ड है. फिर आखिरी में पता लगता है कि ये सारी चीज़ इसलिए की गई थी. सर, जॉन की फिल्म परमाणु देखी थी आपने? जी देखी थी. तो कैसी लगी थी? उसके कंपेयर में ये फिल्म कैसी है? परमाणु भी अपनी जगह बहुत अच्छी थी जी, और ये भी बहुत अच्छी है. तो कितने स्टार देंगे सर आप? सर इसे 4.5. चलिए, थैंक यू, वेलकम. तो कैसी लगी आपको फिल्म? एक्टिंग थोड़ी बेटर हो सकती थी, डायरेक्शन वॉज गुड एंड स्टोरी प्लॉट वॉज गुड. और जॉन अब्राहम का काम कैसा लगा आपको फिल्म? एक्टिंग थोड़ी बेटर हो सकती है, टोल्ड यू. सभी की मतलब मौनी रॉय है, जेके श्रॉफ है, सिकंदर खैर है. हाँ आई गेस, क्योंकि जो इनका टिपिकल टाइप ऑफ एक्टिंग जो है दूसरी फिल्म में भी में रहती है वही देखी, तो थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए था. अच्छा, इनकी लास्ट फिल्म आई थी परमाणु, देखी थी आपने? परमाणु देखी थी मैंने. हाँ, दैट वाज गुड. एंड बोथ में स्टोरी प्लॉट अच्छा है, डायरेक्शन दोनों में अच्छा है. उससे अच्छी है या नहीं? आई गेस सेम सेम बोलना चाहूँगा. 4 स्टार. चलिए, थैंक यू मैम. तो सर कैसी लगी आपको? काफ़ी अच्छी मूवी हमारे देश के बारे में है जी. बता गया है कि कैसे हिंदुस्तान का आदमी पाकिस्तान जाके वहाँ का बनके हमारी मदद करता है. अच्छा, देशभक्ति की मूवी अच्छा लगा. और जॉन अब्राहम का काम कैसा लगा? बहुत बढ़िया, उसकी बात ही अलग. और साथ में मौनी रॉय भी थी, जैकी श्रॉफ भी थे. बढ़िया, बहुत अच्छी मूवी, सबने अच्छा काम किया. अच्छा, डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो कैसी है ये? अच्छी, काफ़ी अच्छी मूवी. अच्छा, पिछले साल इनकी फिल्म आई थी परमाणु, तो वो देखी थी आपने? हाँ देखी. कैसी थी वो? और इसमें क्या? वो ज़्यादा बेहतर थी. वो ज़्यादा बेहतर. तो कितने स्टार देंगे आप इस फिल्म को? 3 स्टार. और क्या लगता है बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म कर पाएगी? हाँ कर पाएगी. चलिए, थैंक यू. थैंक यू. कैसी लगी आपको? अच्छी है, बहुत अच्छी है.
और जॉन अब्राहम का काम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा अच्छा लगा। और मोनी रॉय वगैरह और बिंदास ग्लू अपने जेकी शॉप भी है, जेकी शॉप बहुत अच्छे थे, सबसे अच्छा काम उनका लगा। और डायरेक्शन कैसा है इस फिल्म में? बहुत बढ़िया। कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? बढ़िया, रॉप है, ऐसी मूवी बननी चाहिए। और राजी देखी आपने? राजी भी देखी। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंट है? उसमें और इसमें कितना अंतर है? दोनों में पूरा वो बताया है कि मतलब देश के लिए कैसे काम करते हैं ये लोग। चलिए ठीक है।